इसी क्षण आप चंगे हो जाओ, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी क्षण आपको खुदावंद प्रोफेटिक वर्ड मैंने कहा दे चुका है। जितने लोग सांस कर रहे हैं अपनी अपनी बीमारी के लिए, अपनी अपनी जरूरत के लिए, चाहे वो अपने पासपोर्ट की ब्लेसिंग चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, बेबी की ब्लेसिंग चाहते हैं, घर की चाहते हैं, बच्चों की मैरिज लाइफ में चाहते हैं, मैंने कहा आज मैं इस बात की घोषणा करता हूं, मैं प्रोफेसी करता हूं, ये 99 नहीं, ये 100%, ये 99 नहीं, मैंने कहा 100% होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा ये 99 नहीं, ये 100% होगा। रिसीव कर लो इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव कर लो। मैंने कहा जितने लोग विश्वास करें, मैंने कहा विश्वास कर लो, आज जो खुदावंद ने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया है, कि मैंने आज प्रार्थना में मांगा है, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं बता रहे, मैं जैसे पुरपट में आज आया, आपने सुना मुझे खुदा ने क्या कहा है, कि इन लोगों से पूछ पहले, ये चंगा होना चाहते हैं, इनके अंदर क्या विश्वास है, ये क्या विश्वास करते हैं, मैंने अपनी जान इनके लिए दी है, मैंने घोड़ों की मार खाई है, आज इनके विश्वास से मैं चंगा करूंगा। आज विश्वास कर लो जो मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूं आज, जो ऑनलाइन है, जो इस मीटिंग को देख रहे हैं या बाद में देखें, मैंने कहा वो सेम नहीं रहेंगे यार। कितने लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं, ब्लेस्ड, अपने आप को जो ब्लेसिंग की एनर्जी को फील कर रहे हैं, कर रहे हो आज ब्लेसिंग की एनर्जी को फील कर रहे हो? कितने लोग कर रहे हैं, हाथ हिलाओ जो लोग ब्लेसिंग की एनर्जी को फील कर रहे हैं। आमीन। ब्लेसिंग तो दे दी है, हीलिंग भी चाहिए, ब्लेसिंग तो मिल गई, हीलिंग चाहिए, हीलिंग चिंगाई चाहिए, किसको चाहिए चिंगाई, चिंगाई किसको चाहिए, ब्लेसिंग तो खुदा ने दे दी है, चिंगाई चाहिए, चिंगाई की जरूरत है, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरी आदत है, मैं हर चीज परमेश्वर से पूछ के करता हूं, तो मैं वहां पर तो नहीं मुझे उत्तर मिला, यहां पर मुझे दे दिया। तब से मैं प्रार्थना कर रहा था, बताओ परमेश्वर, पर यहां पे जैसे प्रपट पे आया, खुदा ने उत्तर दे दिया, किन से पूछ पहले, ये चाहते हैं, क्योंकि सुनो एक चीज, यीशु मसीह के पास जितने लोग भी आए, चाहे तो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, चाहे आप यहां पे हो, यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, अंधे, लंगड़े, टूंडे, तरह तरह की बीमारियों के, दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए, वो सब फेथ से चंगे हुए, अपने विश्वास से चंगे हुए। आपको पता मरकुस 9 में एक आदमी, एक बंदा अपने बेटे को लेकर आया था, जिसे मिर्खी का दौरे की दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। बोलो क्या यीशु मसीह तो नहीं मिले, उसके चेलों ने प्रार्थना की, पर उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई। कारण, कारण क्या, ना तो वो नियम जानता था, ना ही उसके अंदर विश्वास था। ऐसे लोग बहुत से यीशु मसीह के पास आते हैं चंगा होने के लिए, ना तो उसकी चंगाई के पवित्र नियम को जानते हैं, ना उसकी सच्चाई को जानते हैं, ना अच्छे तरीके से परमेश्वर को जानते हैं, ना वो जानते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान क्यों हुआ, क्यों उसने अपने तन पर घोड़े खाए हैं। इसलिए लोग हील नहीं होते, चंगे नहीं होते। जब वो आया बंदा, तो चेलों ने प्रार्थना की, क्या की, प्रार्थना की, और उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई। क्या होगी हालत उसकी, ज्यादा खराब हो गई। तो तब भीड़ लग गई, लोग बोलने लगे ये मर जाएगा, मर जाएगा, मर गया, उसकी हालत ऐसी होगी। तब यीशु मसीह आ गए, उन्हें पूछा क्या हुआ, तो आगे तो बोले तेरे चेले से चंगा नहीं कर पाए, मैं तेरे पास लाया, तेरे चेले चंगा नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने कहा हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हे अल्पविश्वासियों, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ला अपने बच्चे को मेरे सामने लेकर आ। जब वो लेकर आया, तो यीशु मसीह के सामने भी वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे को त्रोड़ मरोड़ रही थी। आप देखो यीशु मसीह, यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर फेथ का परमेश्वर, नियम का परमेश्वर, मैं हूं और यीशु मसीह, यीशु मसीह। समझ आ रही है, कितनों को आ रही है? सुनो, जब ऐसी दुष्ट आत्मा कर रही, तो यीशु मसीह ने
आत्मा में देखा है ये बंदा ना तो सच्चाई जानता है ना ही इसके अंदर विश्वास है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं, वो ज्ञान तो नहीं जानते, मतलब परमेश्वर का ज्ञान तो नहीं इतना जानते, पर वो कभी कभी कुछ लोग विश्वास से आते हैं और पहली बार भी आते हैं हिल हो जाते, क्योंकि उन्होंने सुना होता है यीशु मसीह के नाम से चंगे होते, ज्यादा ज्ञान के बारे तो नहीं पता पर विश्वास के नियम का पता है और वो हील हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, क्योंकि ये पवित्र नियम है विश्वास का। उसी रीति से बोलो क्या है, उसी रीति से जब यीशु मसीह ने जब आत्मा में देखा कि इस बंदे के अंदर ना तो विश्वास है ना तो ज्ञान है, तो फिर यीशु मसीह ने तो टीच किया, सिखाया, समझाया किसके राज्य के बारे, चंगाई कैसे मिलती है, चंगाई कैसे मिलती है। जब सिखाया तो टाइम लग गया, बोलो क्या है, टाइम लग गया, टाइम उसने आगे से ये कि बातें कर रहा है, मैं उससे गल्ला ही करी जा रहा, कहता प्रभु अगर कुछ कर सकता है तो कर, मैं तो चंगाई अपने बच्चे को चंगा होने के लिए तेरे पास लेकर आया हूं, तो कुछ कर सकता है तो कर। तो यीशु मसीह ने कहा ये तू मुझे क्या कहता जी, तू कुछ कर सकता है? उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। फिर वो बंदा यीशु मसीह के पांव पड़ गया और बोला हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, क्योंकि सही नियम में आ गया, जैसे सही नियम में आया उसका बच्चा उसी समय क्या हो चंगा हो गया। आमीन। तो करते हो विश्वास, कितने लोग विश्वास करते हैं, करते हो विश्वास कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है? बोलो अपने पड़ोसी को वो तेरे फेत से करता है और आज भी करेगा, आज भी करेगा, संदेह न कर, शक न कर, किसी भी बात का डर न रख, वो तुझे चंगा करेगा, क्योंकि वो चंगा करने के लिए आया था, चंगा करने के लिए वो क्रूस पर चढ़ा था, वो चंगा करने के लिए उसने अपने तन पर कोड़ों की मार खाई थी और वो आज भी करेगा, वो आज भी करेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, ली बार रखा। खैर बादशाह में बातें करते हुए, मैंने कहा गैर भाषा में बातें करते हुए मुंह खोल कर परमेश्वर से बातें करो, जो चाहते वो उसे मांगो, आज खुद मांगो वो करेगा। अगर किसी चीज के लिए आपका विश्वास नहीं बन रहा, आप रिसीव भी करते हो जो ऑनलाइन है वो भी, कुछ लोग बार बार रिसीव करते हैं मगर फिर भी उन्हें चंगाई नहीं मिलती। आज आशीष का वचन आपने समझ लिया, क्योंकि बोने से आशीष मिलती है, जब तुम बोते हो तो खुदावन स्वर्ग से आशीष तुम्हें देता है, उसी रीति से वो चंगाई भी देता है। पर जब फेथ नहीं होता, डर होता है मन में, संदेह आता है, तब कुछ नहीं होता। पर ये चीजें जब हमारे जीवन से दूर जाती है और हम फेथ करते हैं कि परमेश्वर मेरा सच्चा, जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिसने मेरी खातर तन पर कोड़ों की मार खाई है, उसने मुझे चंगा कर दिया है, जब ऐसा फेथ आप रखते हो, ऐसा मन रखते हो, तो खुदाबंद आपको छूता है और मेरा विश्वास वो आज भी छूएगा, आपकी हर एक चीज को वो छूएगा, आपकी हड्डियों को वो छूए, आपकी आंखों को छूए, आपके कानों को वो छूए, आपके मरे हुए कर्म को वो छूए, आपकी पेट की तमाम बीमारियों को वो छूए, आपके घुटनों की बीमारी को छुए, जहां पे भी आपको जो तकलीफ आस वो छुए आस, मैंने कहा आपके फेथ से वो छुए, आपके विश्वास से आज वो छुए और अब हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैंने कहा अब हील हो जाओ और चंगे हो जाओ, मैंने कहा अब हील हो जाओ और चंगे हो जाओ, इसी घड़ी इसी क्षण वो आपको छुए और आप चंगे हो जाओ, आपके मरे हुए घुटने नए हो जाए, जिन घुटनों में क्रीस नहीं उनमें क्रीस आए, जिन आंखों में ज्योति नहीं है उनमें ज्योति आए, जिन आंखों में काला चिट्टा मोतिया वो छाए, हर सौली पत्थरी गिल्टी उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा उखड़ जाए, उखड़ जाए इसी समय, उसी समय उखड़ जाए, मैंने कहा इसी समय उखड़ जाए, तमाम सिर के रोग जाए,
सर्वाइकल के, थायराइड के सब रोग जाए, मैंने कहा सब रोग जाए, मुंह के, दांतों के सब रोग जाए यीशु मसीह के नाम से, नशे के सब दुष्ट आत्माएं जाए, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके घराने से, हर कलेश की दुष्ट आत्मा भी जाए, हर कर्ज की, गरीबी की, हर वो दुष्ट आत्माएं जाए, हर जादू टूना किया कराया वशीकरण का बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, टूट जाए। मैंने कहा टूट जाए आपके जीवन से, आपके परिवारों में के जीवन से, टूट जाए आपकी मैरिज, आपके बच्चों की, आपकी जो जहां पे है कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो सब तरह की प्रॉब्लम जाए और आप एक सफल व्यक्ति बन जाए यीशु मसीह के नाम से। अब मैरिज लाइफ में, चाहे आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके बच्चों की चल रही है, आप एक सफल व्यक्ति बन जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा सफल व्यक्ति बन जाए, मैंने कहा सफल व्यक्ति बन जाए यीशु के नाम से, सफल व्यक्ति जन जाए। तमाम हार्ट के रोग आपको छोड़े और जाते रहे, तमाम हार्ट के रोग आपको छोड़े और जाते रहे, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय अगर किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको तंग करती है, चाहे वो जादू की है, टूने की है, डले की है, सांपों की है, व्यभिचार की है, मैंने कहता राइट नाउ इसी समय, जो ऑनलाइन भी वो हर तरह की दुष्ट आत्माएं, हर तरह की बीमारियां आपको छोड़े और जाएं। आजाद हो जाओ इसी क्षण, इसी घड़ी चंगे हो जाओ, इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो। मेरा विश्वास है खुदावंद आपको सेम नहीं भेजेगा। मैंने कहा सेम नहीं रहोगे, राइट नाउ इसी समय उसकी सामर्थ्य से शुरू हो जाओ और चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके कहीं भी प्रकार की किसी भी तरह की दर्द है, मैं खुदा से मांगता हूं राइट नाउ इसी क्षण आपके बॉडी को छोड़े और जाए। मैंने कहा छोड़े और जाए राइट नाउ, और आप इसी क्षण आप चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। इसी क्षण आपको खुदावंद प्रोफेटिक वर्ड मैंने कहा दे चुका है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं अपनी अपनी बीमारी के लिए, अपनी अपनी जरूरत के लिए, चाहे वो अपनी पासपोर्ट की ब्लेसिंग चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, बेबी की ब्लेसिंग चाहते हैं, घर की चाहते हैं, बच्चों की मैरिज लाइफ में चाहते हैं, मैंने कहा आज मैं इस बात की घोषणा करता हूं, मैं प्रोफेसी करता हूं, ये 99 नहीं, मैंने कहा 100% होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा ये 99 नहीं, ये 100% होगा। रिसीव कर लो इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव कर लो। मैंने कहा जितने लोग विश्वास करें, मैंने कहा विश्वास कर लो आज जो खुदावंद ने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया है, क्योंकि मैंने आज प्रार्थना में मांगा है, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं बता रहे, मैं जैसे प्रपट में आज आया, आपने सुना मुझे खुदा ने क्या कहा है, कि इन लोगों से पूछ पहले, ये चंगा होना चाहते हैं, इनके अंदर क्या विश्वास है, ये क्या विश्वास करते हैं, मैंने अपनी जान इनके लिए दी है, मैंने घोड़ों की मार खाई है, आज इनके विश्वास से मैं चंगा करूंगा। आज विश्वास कर लो जो मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूं आज, जितने ऑनलाइन है, जो इस मीटिंग को देख रहे हैं या बाद में देखें, मैंने कहा वो सेम नहीं रहेंगे आज की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, चाहे कैसी भी उनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, कैसी भी बीमारी क्यों नहीं है, कैसी भी उनकी जरूरत क्यों नहीं है, वो सेम नहीं रहेंगे। मैंने कहा सेम नहीं रहेंगे। द नेम ऑफ जीसस,
In the name of Jesus. Karo karo vishwas karo aur dhanyavad karo. Yes. Bolo yes Khudavan. Aisa ho chuka. Khudavan tune apne daas ke muh se mujhe vachan diya hai. Tum bojh uthakar tum bojh lekar kyun baithe ho? Kahe ke liye baithe ho? Woh Khudavan kehta. Wo sare bojh aaj mujhe de do. Wo kehta sare bojh mujhe de do. आज दे दो बोझ खुदावंद आपके बीच चंगा करने के लिए आया है। मैंने कहा खुदावंद आज आपके बीच वो उतरा है फिर से, आज बड़े बल से आपके बीच उतरा है। आज खुदावंद की सामर्थ में आज उसमें जरा सी भी नहीं है, आज फुली ग्रेस खुदा की इस हीलिंग में, इसकी चंगाई में। और चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, हर बीमारी से, हर हालात से, हर प्रॉब्लम से, हर चीज से अब ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, आज ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज से सारे बंद रस्ते खुले यीशु मसीह के नाम से। आज आपके विश्वास में जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, आज जरा भी आपके विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए। विश्वास करो, उछलो कूदो, यस खुदावंद मैं विश्वास करती हूँ, मेरे लिए हो चुका है। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद मेरे लिए हो चुका है। सब बोलो, उछलो कूदो और आनंद करो। एकदम से ना बंद किया करो है, जब ये शुरू हो जाए। यस कितने लोग विश्वास करते हैं प्यारों को आई देने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? तीन बार मुझे उछल के दिखाओ। यस गाओ।